पंजाब में आज एक अघोषित एमरजेंसी के हालात है। वैसे तो एमरजेंसी के लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा उत्तरदायी है, श्रीमती इंदिरा गांधी ने भी एमरजेंसी लगाई थी, पर वो घोषित एमरजेंसी थी। पंजाब में आज अघोषित एमरजेंसी है। एमरजेंसी कब होती है? जब त्राही त्राही हो जाए जनता में, तो आज वही हालात हैं। जो इनका फाइनेंस मिनिस्टर है, जो मौन फाइनेंस मिनिस्टर है, मौन मंत्री है मनप्रीत सिंह बादल, वो दुहाई दे रहा है खजाना खाली खजाना खाली। इनका जो लोकल बॉडी मंत्री है नवजोत सिद्धू, वो ग्रांटे दे रहा है 3500 करोड़ लुधियाने को, 2000 करोड़ जलंधर को, 3000 करोड़ अमृतसर को, शेख चिल्ली के हसीन सपने। और जो मुख्यमंत्री है वो आराम से बंसरी बजा रहे हैं, पंजाब जल रहा है, वो इटली में छुट्टियां मनाने चले जाते हैं। सो ये सरकार है, सरकार कहीं भी नहीं है। एमएलए काउंसलर इनके मंत्री अपने दफ्तर भी नहीं जाते, वो तो भगवान भरोसे आज स्टेट आ गई। आज माफिया के दबाव में ये सरकार काम कर रही है। आज शराब माफिया, आज रेत माफिया, आज तेल माफिया, 10 रुपए लीटर महंगा आज पेट्रोल देश से पंजाब में बिक रहा है। आज शराब की एक्साइज की इनकम तो 20% भी नहीं है, पर चोरी का काम चल रहा है। आज रेत माफिया, रेत के 4 गुना दाम हो गए हैं, माफिया के लिए हम काम कर रहे हैं। और सरकार जो चुप है, इससे लगता है कि सरकार कहीं ना कहीं कमजोर है इनके आगे। आज स्कूल बंद हो रहे हैं, कॉलेज बंद हो रहे हैं, आज सुविधा केंद्र बंद हो रहे हैं, बुढ़ापा पेंशन बंद हो गई है, विकास बंद हो गया है, अस्पताल बंद हो गए हैं, जिसका मतलब है तो डीए नहीं मिला व्यापारियों पे। आज कहा था 5 रुपए में बिजली देंगे, आज 11 रुपए में बिजली मिल रही है, 11 बार बिजली के दाम बढ़ा दिया। टैक्सों की मार मारी है आम आदमी पे, प्रोफेशनल टैक्स लगा दिया है, जिसका के हर व्यापारी के व्यक्ति को 2500 रुपए महीने साल का बोझ बढ़ गया है। आज बिजली के रेट इन्होंने बढ़ा दिए है। आज नए नए टैक्स, ट्रांसपोर्ट टैक्स में रिवीजन कर रहे हैं, 50 गज के प्लाट को रेगुलराइज कराने के लिए 1000 रुपए के टैक्स लगा रहे हैं। तो जब सरकार टैक्सों से कमर तोड़ने के बावजूद भी विकास ना करे, लोगों को सुविधाएं ना दे, इन्होंने पंजाब को वेंटिलेटर पे खड़ा कर दिया। मैंने मुख्यमंत्री से आज मांग की है कि आप 2013 में जब शानदार सरकार चल रही थी, विकास भी था, सामाजिक भलाई की स्कीमें भी थी, तब कहते थे एमरजेंसी लगाओ। मैं मांग करता हूँ कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, आज आप फेलियर सरकार के मुख्यमंत्री है, आज आप ये फाइनेंशियल एमरजेंसी घोषित करो, आइदर परफॉर्म और क्विट। बहुत बुरा हाल है जी, आज डाके पड़ रहे हैं, चोरियां हो रही है, लूट हो रही है, आतंकवाद अपने पैर पसार रहा है, बम विस्फोट हो रहे हैं। सरकार कहाँ पे? सरकार का ध्यान ही नहीं है। अपराधी जो है वो निडर घूम रहे हैं। अमृतसर में डाका पड़ा स्वर्णकारों के गुरु बाजार में, बिना मुंह ढके अब अपराधी आते हैं और पकड़े नहीं जाते, ये सरकार का हाल है। जाति और धर्म में डिवाइड ना करें, पंजाब आगे ही बड़े जख्म झेल चुका है। अपने फेलियर को जो आपका हुआ है उसकी भरपाई जो है वो लोगों को गुमराह करके फिर पंजाब को एक बार बारूद के ढेर पे खड़ा करने का प्रयास ना करें। पहले भी आपके जो शीर्ष नेता थे कांग्रेस की, उनकी लड़ाई से पंजाब आतंकवाद में झुलसा है। एक बार फिर मुझे लग रहा है कि आज आप जनता का सामना नहीं कर सकते, इसलिए जनता की अटेंशन डिवर्ट करने के लिए आप ये कुप्रयास कर रहे हो, षड्यंत्र कर रहे हैं। वो तो एक प्रोफेशनल व्यक्ति है, मैंने कल भी कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू तो बिकाऊ है। वो कल तक कांग्रेस को कहता था मुन्नी से भी बदनाम है, राहुल गांधी को कहता था ये तो पप्पू है। तो आज वो मोदी जी जिनके चरणों में लौटता था, जेटली जी जिनके चरणों में लौटता था, आज उनके खिलाफ बोलता है, आज कांग्रेस के साथ। वो तो मैं समझता हूँ प्रोफेशनल एक रंगमंच का कलाकार है, उसको कोई भी पैसा देगा तो वो बयान देगा, उसके बयान पे कोई डिपेंडेंस नहीं है। वो जब पैसा दो बयान दिला लो, वो तो हमेशा ही ऐसे लगता है कि ही इज प्रोफेशनल इन पॉलिटिक्स ऑल्सो। उसका दीन मान के उस किस मुंह से वो मोदी जी के खिलाफ बोलता है, क्या वो तब गलत था कि क्या वो अब गलत है? मैं समझता हूं कि ये एक षड्यंत्र है। जो एक सीबीआई थी, ट्रस्टेड एजेंसी थी, उससे वापस एसआईटी ली गई है। कांग्रेस फेल हो चुकी है और मुझे लगता है कि लोगों का ध्यान अपने फेलियर से हटाने के लिए लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, उसकी दृष्टि से धर्म और जाति पे लोगों को गुमराह करने का बहुत बड़ा षड्यंत्र कांग्रेस का है। मैं ऐसे समझता हूँ, बीजेपी ने तो उसको जीरो से हीरो बनाया था, बीजेपी में तो अकेला आया था और उसको एक नेशनल लीडर की आइडेंटिटी मिली थी। आज क्या रह गया? तीसरे नंबर का मंत्री है, वो भी फेलियर, वो एक फेलियर मंत्री है और फेलियर सांसद था। उसके किए झूठे वायदे जो अमृतसर के सांसद के तौर पे किए थे, वो मैंने पूरे किए हैं। मैं जवाब मांगता हूँ कि आज बॉर्डर पे स्कैनर किसने लगवाया, एयरपोर्ट को बर्बाद कौन सुधार रहा है? वहाँ भी वो झूठ बोलता था, यहाँ भी झूठ बोलता। ऐसा है कि वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वो स्वभाव से ही प्रवासी है। अब भी मुझे लगता है कांग्रेस से भी जाएगा,
अब वो कई मित्र बना रहा है, शायद बैस बंधुओं की भी तारीफ करता है, कभी खैरा की तारीफ करता है, कांग्रेस में उसको कोई मुंह नहीं लगाता, आइसोलेट हुआ हुआ है। आई फाइंड हिम दैट ही इज ए माइग्रेटरी बर्ड फाइंडिंग सम नेक्स्ट डेस्टिनेशन। नहीं मैं समझना जी कि कांग्रेस का चेहरा जो है नकाब उतर चुका है। 2019 के बीच कांग्रेस नू कड़ा दंड और सजा जनता देगी, इन्हें जमानत जबत होनी है 2019 आने।